एक के बाद एक निकाल रहा है मोटा भाई अच्छे फोन, और अब आ गया है S50 Fusion जो काफी अच्छा होने वाला है। इसके आज स्पेक्स की बात करेंगे, जितने भी लीक्स आए और प्राइसिंग की बात करेंगे कितनी होगी, तो आप बस उसके लिए वीडियो पूरा देखिए, चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मोटा भाई एक के बाद एक स्मार्टफोन तो निकाल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि अपडेट भी टाइम टू टाइम देते रहे जैसे स्मार्टफोन दे ही जा रहे हैं। तो अगर बात करते हैं आज हम 50 फ्यूजन की, तो काफी मतलब सही स्मार्टफोन आ रहा है मोटो की तरफ से। इसकी प्राइसिंग में भी 25,000 रुपए के करीब हो सकती है, क्योंकि प्रोसेसर के हिसाब से 25,000 लग रही है। बाकी पता नहीं क्या करता है मोटो यार, एग्जैक्ट प्राइस क्या निकालता है, अब देखते हैं वो मोटो जब लॉन्च करेगा अपना स्मार्टफोन। बाकी अगर स्पेक्स की बात करें तो डिस्प्ले से चालू करते हैं 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस MPU OLED डिस्प्ले आपको इसके अंदर मिलती है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, ये एक अच्छी चीज लगती है 144 हर्ट्ज का लेते हैं देते हैं रिफ्रेश रेट। वैसे मैं ऑन करता नहीं रिफ्रेश रेट, बैटरी बड़ी जल्दी फूकती है इससे। और गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है और 1600 nits की पीक ब्राइटनेस, जो काफी बढ़िया है यार। जो प्राइस निकालेगा बाकी प्राइस की पता चलेगा कब, बट मेरे हिसाब से डिस्प्ले तो काफी बढ़िया है स्पेक्स वाइज देखा जाए। और अगर बात करते हैं अगली चीज की, तो वो है प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 7H Gen 2 मिलता है, जो कि काफी मतलब पावरफुल प्रोसेसर है और बढ़िया है, एक नंबर प्रोसेसर है गाइस। अगर ये 25,000 रुपए में आ गया तो मजा सा आ जाएगा, क्योंकि स्नैपड्रैगन के वैसे प्रोसेसर अच्छे होते हैं, ऊपर से 7H Gen 2 तो काफी पावरफुल प्रोसेसर है। और अगली चीज की बात करते हैं, एंड्रॉइड आपको इसके अंदर 14 मिलेगा, 3+4 ईयर्स की आपको अपडेट मिलेगी, जो कि 3 साल में बस एक ही अपडेट आएगा। टाइम लेता है ना अपडेट देने में ये लोग, तो 3 साल में बस एक ही अपडेट आएगा, पर 3 साल तक आपको देंगे ये लोग अपडेट। और बाकी अगर बात करें कैमरे की, तो कैमरा आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल का सोनी का LYTIA LYT 700C, मतलब काफी बड़ा सेंसर है, मतलब अच्छा सेंसर है बट काफी बड़ा नाम है इसका। तो यार सेंसर काफी बढ़िया है, अगर सेंसर वाइज देखा जाए तो काफी बढ़िया निकाल रहा है। OIS इसके साथ होगा ये, और 13 मेगापिक्सल का आपको एक अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा, तो काफी मतलब बढ़िया काम किया इन्होंने सेंसर वाइज। तो सेंसर का नाम नीचे लिख दूंगा, मन में पूरा भर जाएगा यहाँ से यहाँ तक लिख दिया तो, यहाँ लिख दूंगा वैसे आप देख सकते हो सेंसर का नाम। बाकी 32 मेगापिक्सल की आपको वही स्टैंडर्ड सेल्फी मिलती है, जो मे भी सही है सेल्फी 32 मेगापिक्सल की। और बाकी अगर कोई भी स्पेक्स ऊपर नीचे हो ना, मैं यहाँ लिख दूंगा आपको, या कुछ भी अगर मैंने परीचे बोल दिया इधर उधर चला जाता कई बार, तो नीचे लिख दूंगा आपको। बाकी अब बैटरी की बात करें, तो 4-5 हज़ार में इसकी बैटरी आपको मिलती है 68 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ, जो कि बेस्ट है यार। देखो ये बैटरी हेल्थ में फर्क नहीं पड़ता, 68 तक तो ठीक रहती है, पर 100 मेगापिक्सल से एक फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है बैटरी में, तो ये 68 वाट की तो बेस्ट है। और वाईफाई 6 और 5 का आपको उसके अंदर सपोर्ट मिलेगा, और 15 बैंड मिलते हैं आपको 5G के। तो यार ये तो काफी ज्यादा अच्छा कर दिया मोटो ने, 15 बैंड से यार कौन देता है इतने ज्यादा बैंड, तो 5G स्पीड काफी अच्छी आएगी। और बाकी एक छोटे मोटे स्पेक्स तो बहुत सारे, बट IP68 इसके अंदर आपको मिल जाएगा, तो मुझे लगता है ये फोन बेस्ट है, आप जाके ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव होगा ये स्मार्टफोन। बाकी ऐसी अच्छी अच्छी आपको अपडेट देने हो या लीक्स के रिलेटेड वीडियो देखती है, तो आप उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाओ। और अगर इसके या कंपैरिजन देखना, तो वो मैं निकालूंगा, कोशिश करूंगा इसकी प्राइसिंग के बाद बता सकता हूँ कि क्या कंपैरिजन रहेगा इसके किसके साथ रहेगा, तो आपको लॉन्च के बाद ही बता सकता हूँ मैं। वीडियो अच्छी लगी ना, सब्सक्राइब बटन दबाओ, सब्सक्राइब बटन दबाना बहुत जरूरी होता है यार, आप सब्सक्राइब करोगे ना मेरे को मोटिवेशन आती है नई वीडियो बनाने की, जैसे आप सब्सक्राइब बटन दबाओगे मैं नई वीडियो फटाफट बना दूंगा यार आपके लिए। बाकी यार चलो यार मिलते हैं आपको नई वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।